प्रणाम, शत शत प्रणाम मेरे प्यारे गुरुजी, नमस्कार गुरुजी, एंड लख लख शुक्राना गुरुजी फॉर टेकिंग अस इनटू योर चरण चरण। जय गुरुजी, प्यारी संगत जी, जय गुरुजी सारे गुरु परिवार को। सबसे पहले तो मैं बड़े मंदिर की मैनेजमेंट एंड ऑल द सेवादार्स हु आर मैनेजिंग दिस प्लेटफॉर्म, उनका थैंक्स करना चाहूंगी कि दे हैव एनेबल्ड अस टू गेट गुरुजीज ब्लेसिंग्स इन सच डिफिकल्ट टाइम्स एंड हार्ड टाइम्स। सो थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से जब गुरुजी यूज टू टेल किसी भी संगत को कि आप he used to tell somebody to stand up and narrate or write down their journey with Guruji and their blessings. So this is what is called satsang. Or wo he Guruji actually humne Guruji se hi sikha tha ya suna tha, jaise bhi ki Guruji har ek satsang jo hai wo सुनाने वाले का भी कल्याण करता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है उसमें। सो यही हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स को शेयर कर सकें वो करें, क्योंकि उसी में ही हमें ब्लेसिंग मिलती है। सो गुरुजी जी कई एक्चुअली ये जो सत्संग है ये हमें it's a magnet and it draws the audience into, जैसे हमारे विश्वास को और दृढ़ करता है सुनकर, जो गुरुजी के साथ सत्संग ने समय बिताया है या अभी के भी जो सत्संग है सब, so वो हमें एक्चुअली और विश्वास दिलाते हैं और गुरुजी के चरणों में श्रद्धा भी हमारे दिल में जैसे और दृढ़ होती है। और जितने भी हमारे मन के क्वेश्चन आंसर्स क्वेरीज या डाउट्स होते हैं, इफ्स एंड बट्स होते हैं, उन सब का भी हमें आंसर मिलता है उनमें। सो दिस इज द, ये गुरुजी का दिखाया हुआ बताया हुआ एक सबसे आसान रास्ता है जिसके द्वारा कि हम गुरुजी की महिमा का गुणगान कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग का शुक्राना कर सकते हैं। सो एक्चुअली हम जैसे ये माने कि अपने आप को कि हम जैसे गुरुजी ने जो पेड़ लगाया था, हम उसकी शाखाएं हैं सबके सब, पूरी संगत। और ये शाखाएं जो हैं, इसमें जो पत्तियां हैं, वो हर समय गुरुजी के का उनके भक्तों के ऊपर के साथ प्यार, और भक्तों का जो उनके गुरु हमारे गुरुजी पर विश्वास है, ये उसका गुणगान करते हैं। तो जिसके कारण हम बस इसी के द्वारा हम उनकी महिमा का बखान कर सकते हैं। सो गुरु जी की प्यारी संगत जी, मैंने कभी आज तक पहले कभी शेयर नहीं किया ऐसे माइक्रोफोन पे, वैसे तो कई बार शेयर किया लेकिन थोड़ा सा हेसिटेंट हो रही थी कि पता नहीं आवाज आप सबको ठीक सुनाई दे रही है कि नहीं। सो प्लीज कुछ भूल चुक हो तो माफ करिएगा। और जो भी यही वो तो हम जानते हैं कि गुरुजी ने ही आज्ञा दी है तो वही बुलवाएंगे, जो भी उनकी आज्ञा होगी वो अपने आप वही शब्द मुंह से निकलते हैं। यही इसी विश्वास के साथ मैं आपको अपनी और अपनी फैमिली की, यानी मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा और बेटी, इनका जो हमारी जर्नी है हमारी गुरुजी के साथ, जो उनसे हमें ब्लेसिंग मिली, उन सबको मैं शेयर करना चाहूंगी आप सबके साथ। वैसे तो जैसे गुरुजी कहते थे कि तुम नहीं जानते कि कब से तुम मेरे साथ जुड़े हो, तो यानी हमें कुछ मालूम नहीं कि हम कितने जन्मों से गुरुजी से जुड़े हैं, लेकिन इस जन्म में एटलीस्ट इस जन्म का तो हमें पता है कि हमारी जो सोल की जर्नी है वो पिछली तो हम नहीं जानते, लेकिन इस जन्म में हम गुरुजी से मार्च 2005 में मिले थे, उनकी शरण में आए थे। वैसे तो आई एम वेरी श्योर कि गुरुजी
जो हमारे जन्म से लेकर 2005 मार्च तक की जर्नी में भी हमारे साथ ही थे, और किस रूप में थे ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने पहले कभी भगवान को देखा नहीं था, और उनको मिलने के बाद भी ये नहीं जान पाए कि हम भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं। सो गुरुजी, इसके लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि हमें क्षमा करना कि हम उस समय आपको नहीं पहचान पाए। सो गुरुजी हमेशा उस टाइम तो नमस्कार ही करते थे, तो हम लोगों को जैसे ये जय गुरुजी कहना और ये सब तो शायद आई थिंक 2007 जुलाई के बाद ही शुरू हुआ है। तो नमस्कार प्रणाम सारी संगत जी, मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली 2003 में मैंने गुरुजी के बारे में पहले सुना था। गुरुजी तो नहीं कह सकती उस टाइम का, जस्ट ये पता लगा था कि कोई है एम्पायर स्टेट में जो कि मनी कष्टों को दूर क्या करते हैं कि जैसे पंडित या एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि आपके फ्यूचर को या कोई उपाय बताते हैं, तो इस तरह से मतलब है कोई। तो एक्चुअली मैं जैसे गुरुजी भी हमेशा कहते थे कि जो तुम्हें यहाँ लेके आता है मेरे दर पे उसका तो हमेशा शुक्राना किया करो। तो मेरी ननद यानी मेरे हस्बैंड की बड़ी सिस्टर बहन जी, उनको किसी ने बताया था कि ऐसे एम्पायर स्टेट में कोई है, तो वो अकेला नहीं जाना चाह रही थी, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड यानी अपने भाई को बोला कि तुम मेरे साथ चलो, पहली बार जाना है, मेरे को पता नहीं कौन सी जगह है और वहां कौन है कैसे है। तो वो दोनों ढूंढते ढूंढते एम्पायर स्टेट पहुंचे। और थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी संगत जी की जो हमारी फैमिली में ये मेरे हस्बैंड सारे ब्रदर सिस्टर्स और इवन मेरे रिस्पेक्टेड फादर इन लॉ जो कि नहीं है, तो वो सब पूरी फैमिली खूब एस्ट्रोलॉजर्स और पंडित में बहुत बिलीव करते थे, और कहीं से पता लग जाए कि कोई पंडित है या कोई एस्ट्रोलॉजर है कुछ बताने वाला, तो ये लोग एकदम से ढूंढ डांट के एकदम पहुंचते थे वहां पे। तो वहां भी एम्पायर स्टेट भी ये उसी ख्याल से गए थे कि वहां पर कोई है। वैसे तो सारी फैमिली बड़ी स्पिरिचुअल और मतलब रिलीजियस है और शिरडी साईं बाबा के बड़े पक्के भगत, लेकिन किसी भी एस्ट्रोलॉजर या पंडित को नहीं छोड़ना उन्होंने। तो वे दोनों वहां पहुंचे जब दोपहर के टाइम, और गुरुजी का जो विला यानी वहां पर गए और अंदर पहुंचे तो वहां पर काफी रौनक थी और शादी का माहौल था। शायद मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद सुधा आंटी की बेटी की शादी थी का कोई फंक्शन था और गाना चल रहा था जैसे। तो इन्होंने किसी से पूछा कि कौन यहाँ कौन है जो बताते हैं या कौन है हम उनको मिलने आए, तो उन्होंने कहा वो है, वो गुरु जी है। तो उन्होंने इशारा किया और दिखाया, तो गुरुजी इधर उधर चल रहे थे, सबको मिल रहे थे जैसे, और उन्होंने अचकन पहनी हुई थी और सिर पे जैसे वो कुल्ला यानी पगड़ी टाइप वो बांधी थी, जैसे शादियों में जैसे बड़े बांधते हैं, तो घर के सबसे बड़े जैसे बांधते हैं, तो वो उन्होंने पहना हुआ था। तो इन्होंने दोनों ने देखा और दे वर नॉट समहाउ इम्प्रेस्ड, और वैसे भी इनको अजीब लग रहा था कि शादी का घर है और हम बिना बुलाए आ गए हैं, तो इसलिए चलते हैं। फिर किसी ने कहा कि आप लंगर करके जाओ, खाना खा के जाओ, तो इन्होंने फिर वही सोचा कि नहीं, शादी का खाना और हम बिना बुलाए आ गए हैं तो हम नहीं खा सकते, और ये लोग वापस आ गए दोनों। तो इन्होंने आके मेरे को थोड़ा बताया, लेकिन मैं जैसे कि आपको बताऊं कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं पंडित या एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में सुनने को या बात करने को, मेरे को पता नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा मेरे को तो मत बताओ। सो उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई, दो साल निकल गए जैसे। लेकिन बीच बीच में मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी जो है वो जाती रही वहां पर, कब जाना शुरू किया उसने और कब जाती थी एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, पर बहन जी कई बार बताते थे कि वो रात को जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है, और बड़ी देर से आती है, कहती है वहां पे सत्संग होता है, और जब से वो जाने लगी है और पता नहीं हमारे घर में अजीब अजीब सी खुशबुएं आने लग गई हैं, जैसे अगरबत्ती जल रही हो या फूल होते हैं जैसे मंदिर के, तो घर में ना अगरबत्ती जल रही होती है और फिर भी खुशबू आती रहती है, जैसे मेरे को तो लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है। तो इस तरह से ये बातें होती रहती थी और आई गई होगी। तो
मैंने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इन बातों की तरफ। खैर उसके बाद जब गुरुजी, वही होता है कि जब गुरुजी का बुलावा होता है हम तभी जा सकते हैं। तो मार्च 2005 में मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग मेहरौली गए थे किसी काम से, और वहां से वापस आ रहे थे। तो जब हम सुल्तानपुर जैसे क्रॉस किया तो मेरे हस्बैंड ने, गेट आया जब एम्पायर स्टेट का, तो ही पॉइंटेड आउट कि ये एम्पायर स्टेट है जहां मैं एक बार बहन जी के साथ आया था, और यहाँ पर वो हैं जो बताते हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्टर्नली मना किया। इन्होंने कहा चलना है, मैंने कहा नो बिल्कुल नहीं, तो आप घर चलो सीधा। तो इस तरह हमारी डिस्कशन चलती रही। ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी, और मैं ना करती जा रही थी कि नहीं मेरे को बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन पता नहीं कैसे व्हेन वी रीच्ड अंधेरिया मोड़, और हमारी गाड़ी ने यू टर्न ले लिया एंड वी वर हेडिंग टुवर्ड्स मेरे प्यारे गुरुजी। एंड आई कंसीडर माई सेल्फ सो फॉर्चुनेट, एंड आई विल से दैट डे वॉज द मोस्ट फॉर्चुनेट डे ऑफ माई लाइफ। यानी मतलब इसको कहते हैं ना कि लाइफ का सबसे प्यारा और सबसे अच्छा और लकीएस्ट डे मेरा, कि जब, जो कि बाद में रियलाइज किया है ऑफ कोर्स हमने, तो तब तो मैं बड़ी रिलक्टेंटली, और चलो अब पहुंच ही गए हैं तो चलते हैं। सो आई थिंक ये गुरुजी का बुलावा था एंड ही वाज जस्ट पुलिंग अस लाइक ए मैग्नेट, और हम पहुंच गए। और आप संगत जी, जैसे आप मोस्टली जानते हैं कि एम्पायर स्टेट में आप गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते, वहां पर आपको बाहर ही पार्क करनी पड़ती है। लेकिन जब हम उस दिन गए तो किसी ने हमें रोका नहीं, और सीधा हम अंदर गाड़ी ले गए, और इन्होंने जाकर जो थोड़ा इनको याद था, वहां गुरुजी के विला, उनके मंदिर, छोटे मंदिर के सामने गेट के गाड़ी पार्क कर दी, और हम उतर के अंदर जाने लगे। तो जैसे ही हम गेट से थोड़ा आगे गए तो एक अंकल भागे भागे आए कि आपने यहाँ गाड़ी क्यों पार्क करी। तो अंकल ने कहा तो क्या करें फिर, तो इस तरह से उनकी डिस्कशन हुई एनीवे। एंड उन्होंने कन्विंस करा उनको कि हम थोड़ी देर में ही जा रहे हैं, हम ज्यादा देर नहीं रुकने वाले। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो जैसे भी हुआ, मेरे को पूरा याद नहीं है, तो हम अंदर चले गए। संगत जी, जैसे ही हमने उस जो एंट्रेंस डोर है गुरु जी के मंदिर का, वहां एंटर किया, इट वॉज अ वेल लिट रूम फुल ऑफ फ्रेग्रेंस एंड फुल ऑफ पीस, और उसमें शब्द गुरबानी चल रहे थे। तो ऐसे लगा जैसे, मतलब यू कांट इमेजिन, आई कांट एक्सप्लेन यू के क्या फीलिंग आई उस टाइम, उसमें अंदर पैर रखते ही कि हम जैसे हेवन में पहुंच गए हों। इतनी मीठी मीठी सुगंध, हल्की हल्की सी, और सोई वही है जैसे कि आपने और भी संगत जी से सुना है कि यही ख्याल आया कि अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ तो इतना परफ्यूम छिड़का हुआ है, यहाँ लोग बड़े हाई फाई बैठे हैं और सबने परफ्यूम शर्फ्यूम लगाए हुए हैं एंड ऑल दैट। एनीवे, बट देयर वाज लॉट ऑफ पीस। तो हमारे आगे एक दो संगत जी चल रहे थे, तो हमें क्योंकि वहां का कुछ मालूम नहीं था, तो हम भी उनके पीछे पीछे चलते रहे। और जैसे ही वो राइट को मुड़े तो हमने देखा कि सामने समबडी सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल चेयर, और देखा कि उन्होंने उनके आगे माथा टेका। तो हमने भी, जब हमारी बारी आई तो हम आगे होके हमने भी माथा टेका। तो माथा जैसे ही टेका हमने, और आप मानेंगे नहीं, जैसे ही मैंने नजर ऊपर उठाई तो गुरुजी का चेहरा देखा। ओ माय गॉड, क्या गुरुजी का तेज, क्या ऑरा, बस मतलब आप एक सेकंड से ज्यादा देख नहीं सकते थे, जैसे एकदम आंखें चौंधिया गई जैसे। एनीवे, तो हम उठने लगे तो गुरुजी ने एकदम से हम दोनों को कहा इत ही बैठ जाओ। तो उन्होंने हमें अपने चरणों में बिल्कुल सामने हम दोनों को बैठने की आज्ञा दे दी, हम वहीं बैठ गए। तो देखा हमने अपने हाथ चारों तरफ, तो संगत जो और बैठे थे लोग, तो वो उनकी आंखें, मोस्टली सबकी आंखें बंद एंड एवरीबॉडी वाज मेडिटेटिंग, मतलब शब्द गुरुवाणी को एंजॉय कर रहे थे। तो हम भी बीच बीच में आंखें बंद करती, मैं एटलीस्ट तो खोलती, पर गुरुजी की तरफ देखना बहुत मुश्किल हो रहा था।
थोड़ी देर शब्द गुरबानी सुनी तो इतने में चाय आ गई। तो अब तो हम चाय प्रसाद बोलते हैं, पर उस टाइम तो मैंने चाय ही सोचा कि जैसे किसी के घर आप जाते हैं और चाय आ जाती है, तो चाय आई तो हमने पहले मना कर दिया, लेकिन उन्होंने सेवादार जी ने दोबारा कहा तो फिर हमने ले लिया। तो हमने चाय पी और संगत जी वो चाय, आज तक उस चाय का टेस्ट प्रसाद का मैं नहीं भूल सकती, वो अमृत था। पहली बार ऐसी चाय मैंने मतलब अपनी उस तक लाइफ टाइम में पी थी जैसे। और चाय प्रसाद लिया और फिर थोड़ी देर में गुरु जी ने इशारा करके हमें आगे और आगे आने को कहा, तो हम दोनों अपने घुटनों पे जैसे आगे हो गए गुरु जी के पास, और गुरु जी ने भी अपना जैसे फेस नीचे करके बिल्कुल हमारे साथ एकदम बड़े प्यार से ऐसे पूछा, क्यों पहली बार आए हो? तो मैंने तो एकदम जवाब दिया हाँ जी। गुरु जी तो नहीं कहा क्योंकि मालूम नहीं था कि उनको क्या कैसे एड्रेस करूं, तो हाँ जी बोला खाली। और मेरे हस्बैंड ने भी कुछ सोचा एक सेकंड के लिए, फिर बोला हाँ जी। तो गुरु जी ने एकदम उनको बोला तो भूल गए, तू तो दूजी बार आया मैं। सो संगत जी गुरु जी जानी जान, उनको तो सब पता था, लेकिन हम ही जैसे मन बुद्धि वाले या जो भी समझ लीजिए, हमें क्या पता कि वो हम किसके चरणों में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा हाँ जी गुरु जी मैं आया था, गुरु जी ने मतलब जो भी कहा होगा, तुम मेरे को पूरा याद नहीं, मैं आया था लेकिन तब आपको मिल नहीं पाया था। तो गुरु जी ने स्माइल किया और ऐसे सिर हिलाया। तो फिर संगत जी उसके बाद गुरु जी ने हमारे बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में पूछा, तो हमने बताया जैसे कि हमारा बेटा यूएसए में है और बेटी यहाँ पर है। उन्होंने बहुत सारी बातें डिटेल में करी और अंकल ने तो जैसे होता है ना, आप किसी भी ज्योतिषी या पंडित जी के पास जाते हो तो आप बोलते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, एकदम से बोलते हो कि हमें ये चाहिए, आप हमें बताइए क्या करना है। तो उन्होंने तो एकदम से एक दो बातें बोली ऐसे, और फिर कुछ और अपने बारे में भी कहा, कुछ अपना ऑफिशियल जैसे उसके बारे में भी उनको बात करी, पर गुरुजी जैसे ज्यादा बच्चों के बारे में ही बात करते जा रहे थे। तो फिर हमने बताया कि हमारी बेटी यहाँ है, तो उन्होंने कहा कल उन्हें लेके आना जी करके, और हमने लंगर प्रसाद भी जैसे हमने देखा, सेवादार जी ने भी बताया कि आप यहाँ बैठिए और लंगर प्रसाद खाया। तो वही पहली बार चार संगत जी के साथ शेयर करना कुछ अजीब सा लगा, लेकिन जैसे जैसे सब कर रहे थे तो हम देख रहे थे। तो इस तरह करके, और फिर हमें बताया किसी, हम जाने लगे बाहर तो किसी ने कहा आप ऐसे नहीं जा सकते, आप आज्ञा लेके जाएंगे। तो हम लाइन में खड़े हो गए, आज्ञा ली गुरुजी से। फिर गुरुजी ने कहा कल कुड़ी नु लेके आना जी करके, और हम चले गए। सो इट वॉज, दिस वॉज आवर स्टार्ट ऑफ जर्नी विद गुरुजी। और उस दिन के बाद मैं तो संगत जी अपने बारे में इतना कह सकती हूँ कि मैं तो जैसे गुरु जी की दीवानी हो गई थी बस, कि हर मतलब उनका ख्याल भी दिमाग से जा ही नहीं रहा था मेरे, मैं उन्हीं के बारे में सोची जा रही थी और वहां उस जगह के बारे में कि कैसी जगह है, कितनी पीस है, और कल का इंतजार करना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। फिर बेटी को बताया, वो भी जैसे साईं बाबा को, हम लोग जैसे साल में कम से कम एक दो बार तीन बार नहीं तो एक बार तो जरूर शिरडी जाया करते थे, तो वो भी साईं बाबा से बहुत अटैच बचपन से ही थी। तो लेकिन हमने उसको कन्विंस किया और हम नेक्स्ट डे फिर गुरुजी के पास पहुंचे शाम को। तो जैसे ही हम पहुंचे तो फिर गुरुजी ने वहीं उसको आगे बिठाया और बड़े प्यार से उससे बातें करी, बहुत सारा ब्लेसिंग दी उसको, और हमें कहा कि आप कल फिर आना और 1.5 ग्राम का सोने का ओम बनवा के लाना। तो जी करके हम लोग फिर वही लंगर प्रसाद लिया, आज्ञा ली गुरुजी से और आ गए। और हमने कोशिश करी काफी जगह जाकर नेक्स्ट डे कि कहीं से इस वेट का ओम मिल जाए, लेकिन सबने कहा कि 2 दिन लगेंगे या जैसे भी,
पर संगत जी, जैसे हमें बाद में आप पता लगा है कि गुरु जी जब कुछ आज्ञा देते हैं तो उसका रास्ता भी वही निकालते हैं। तो हमें फिर हम साउथ एक्स मार्केट गए और वहां हम एक ज्वेलर के पास एग्जैक्ट, हम लेट भी हो रहे थे जाने के लिए, लेकिन हम लेकर वहां से हमें मिल गया 5.25 ग्राम का ओम, और हम लेकर फिर बेटी को लेकर हम एम्पायर स्टेट पहुंचे। तो गुरुजी के जब हमने कहा कि हम गुरुजी ले आए हैं, तो उन्होंने हाथ में लिया और ब्लेस करके बेटी को बोला, उसने गले में गोल्ड की चेन पहनी हुई थी, तो बोले कि इत्थे वाला है नू। तो उसको थोड़ी पंजाबी जैसे समझ नहीं आती, तो उसको मैंने कहा कि गुरुजी तुम्हें इसको डालने को कह रहे हैं, तो वही फिर हमने उसके गले में उसने ओम डाल दिया, तो ये उसको गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। और फिर उसके बाद और गुरुजी ने साथ ही आज्ञा दी कि तुसी एतवार आया करो दोनों, और ए कल्ली आएगी वीरवार मेरे को। हां जी करके हम आ तो गए, लेकिन अब मैं सोचती रही, मेरे हस्बैंड का तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं तो बस इतना सोचना शुरू हो गई कि अकेली लड़की को कैसे भेजेंगे। तो खैर एनीवे, जो भी था गुरुजी की आज्ञा थी या उनकी जो भी इच्छा थी कि वो ऐसे आए, तो वो जाती थी थर्सडे और हम जाते थे संडे को। और कई बार मैं तो अकेली भी जाती थी, क्योंकि अंकल कई बार नहीं जा पाते थे, तो मैं अकेली भी चली जाती थी, क्योंकि मेरे को तो इतनी अट्रैक्शन थी जैसे गुरुजी पुल करते थे कि बस संडे का मैं इंतजार करती रहती थी। और शुरू शुरू में मैं कई बार बेटी के साथ भी जाती रही, जिस दिन मेरे को ज्यादा दिल में कुछ डर लगे, ऐसे ख्याल आता था कि इतना खराब जमाना है, क्योंकि कभी कभी वो जाती थी और बड़ी देर से आती थी, तो मैं सारा टाइम उसके साथ फोन पे रहती थी रस्ते में कि जब तक वो घर ना पहुंच जाए, कि इतना रात हो गई है। और उस टाइम पे वसंत कुंज की रोड और ये रोड्स काफी सुनसान, मतलब आगे अंधेरिया मोड़ तक भी काफी सुनसान होता था, जैसे तो डर लगता था कि रात को गाड़ी चला के आ रही है अकेली, कुछ हो जाए। तो मैं फोन पे रहती थी, तो एनीवे फिर और कभी कभी चली भी जाती थी उसके साथ। तो एक दो बार तो गुरुजी ने देखा, फिर एक दिन मेरे को डांटा कि तू क्यों आनी है, मैं क्या ना इनू कल आना है। एनीवे फिर भी मेरे को दिल में इतना डर बैठा हुआ था, तो मैं फोन करती रहती थी उसको, इवन जबकि रात के जैसे 12 बज जाने 11 बजने, तो मैंने उसको फोन करने शुरू करने की कब आ रही है कब आ रही है। तो अगली बार जब मैं गई तो गुरुजी ने फिर डांटा, क्यों फोन कर दी रहनी है, बेटी मेरे को बैठी हुंदी है। हां जी गुरुजी करके फिर भी समझ नहीं आई। फिर हमने तब तक मंडे को बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया था। गुरुजी का बड़ा मंदिर तो आप सब जानते हैं, हम लोग इतने हैरान हुए पहली बार जब गए कि ऐसा मंदिर हमने आज तक कहीं नहीं देखा था, कि जिसमें ना कोई पुजारी ना कोई पंडित ना कोई चढ़ावा, कुछ नहीं, बस जाओ शब्द कीर्तन सुनो मत्था टेको और ब्लेसिंग लेके आ जाओ। और क्या पीस वहां मिलती थी, मतलब ऐसा और एटमोसफियर, तो किसी मंदिर में ऐसी सफाई, पहली बार जब गए तो सफेद एकदम सब वाइट वाइट एकदम वॉल्स फ्लोर्स एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल अमेजिंग लगा जैसे। तो फिर हमने मंदिर जाना शुरू किया, तो वहां पर एक्चुअली जब गुरुजी के हम एम्पायर स्टेट जाते थे, तो वहां का गुरुजी का डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, ना तो हम किसी से बात कर सकते थे बिल्कुल भी, संगत जी के साथ किसी के साथ भी हम कोई बातचीत नहीं कर सकते थे, चाहे हमें बाहर आकर भी जब वेट करना होता था लंगर प्रसाद के लिए खड़े होते थे या जल प्रसाद लेने के लिए बाहर खड़े होते थे, तो कभी भी आपस में बातचीत नहीं करता था कोई भी। तो हमें और ना ही हमें किसी ने वहां के मतलब रूल या ऐसे कुछ बताए भी थे, तो जो जो हम देखते थे रोज सीखते जा रहे थे धीरे धीरे, और गलतियां भी करी होंगी कई, तो गुरुजी से उसके लिए भी माफी मांगते हैं। तो जब बड़े मंदिर जाना शुरू हुए, तो जैसे बाय फेस कुछ कुछ संगत को तो पहचानने लग गए थे, जो बाय चांस वहां संडे को भी दिखते थे हमें। तो एक आंटी वहां पर मेरे को याद है, हम गुरुजी के किचन के बाहर जो गुरुजी का रूम है जहां पर अब सारे उनके चोले और वो सब है, तो उनके सामने जो उस एरिया में हम खड़े थे, तो एक आंटी आई और बोलती है कि
आप संडे को आते हैं, तो जब आप पहले दिन आए थे तो मैंने सुना था गुरुजी आपको कह रहे थे कि आप संडे आया करो और अपनी बेटी को अकेले भेजा करो, पर मैंने देखा है आप कभी कभी उसके साथ आते हो, तो ऐसा आप मत करिए, गुरुजी का हुक्म है, उनका कुछ पर्पस होगा इसमें, तो उसको मानिए आप। तो उस दिन से मैंने गुरुजी, आप संगत जी, ये सोच लिया कि ये यहाँ खड़े मेरे को जैसे गुरुजी का मैसेज मिला है, हुक्म मिला है, तो अब मैं कभी नहीं जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि कोई चिंता भी ना करूं उसके बारे में। तो उस दिन से संगत जी, उसके दिन के बाद मैं कभी उसके साथ नहीं गई, और गुरुजी जैसे पूरी संगत का इतना ध्यान रखते हैं, मैं ये मानती हूँ कि उनके यहाँ जाना, उसके बारे में सोचना, वो हमारा शायद काम है, कि थोड़ा हमें अपने ऊपर इतना बुद्धि पे वो करना है कि हमें गुरुजी के बारे, उनके यहाँ सत्संग में जैसे भी बड़े मंदिर या जो भी मंदिर गुरुजी का है वहां जाने के लिए सोचना है, उसके बाद वहां पहुंचाना और वहां से वापस हमें घर पहुंचाना, सब गुरुजी देखते हैं, और उनके बुलावे के बिना तो खैर कोई जा ही नहीं सकता। तो इस तरह संगत जी हम जाते रहे, और उस अपनी बेटी का मैं एक वही इसके बारे में कनेक्शन में एक सत्संग सुनाती हूँ कि एक बार वो गई जैसे रात को और गुरु जी का सत्संग अटेंड किया, शब्द कीर्तन, और वो एक्चुअली मोस्टली ऊपर जाके बैठ जाती थी अपने आप ही अकेली ऊपर, और वहां बैठ के शब्द कीर्तन सुनती थी, और फिर लंगर प्रसाद के लिए जब नीचे आना उसने और आज्ञा लेने वो गई, तो गुरु जी ने कहा नहीं बैठ जा, तो वो जाके फिर बैठ गई पीछे। तो फिर थोड़ी देर के बाद गई तो फिर गुरु जी ने कहा बैठ जा, तो हार्डली 4-5 संगत जब रह गए, रात के 6-12 बज गए होंगे, तो गुरुजी एक और अंकल आंटी थे वहां पे, आई थिंक शी टोल्ड मी नरेंद्र अंकल थे शायद, तब तो नहीं पहचानते थे ना नाम, किसी का नाम जानते थे, तो बाद में उन्होंने शायद बताया था कि आपकी बेटी थी और ऐसे हुआ था। तो गुरुजी ने उन अंकल को कहा तू अपनी गड्डी इस बच्ची दी गड्डी दे पीछे रखी। उन्होंने कहा जी गुरुजी, तो फिर आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी ने कहा नहीं बैठ जा, फिर गए तो उन्होंने कहा कि अंधेरिया मोड़ तक अपने पीछे रखी गड्डी, अभी पीछे रखी गड्डी। तो फिर जब चलने लगे, जब मेरी बेटी ने माथा टेका आज्ञा ली, तो फिर उन्होंने उन अंकल को बोला नहीं अंधेरिया मोड़ नहीं, तो बसंत कॉन्टिनेंटल तक गड्डी दे नाल जाए। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, हालांकि वो शायद दूसरी साइड में रहते हैं, पर वो हमारी बेटी की गाड़ी के पीछे पीछे वो लोग दोनों गाड़ियां चल पड़ी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, जैसे ही अंधेरिया मोड़ से लेफ्ट लिया इन लोगों ने, तो एकदम से मेरी बेटी की गाड़ी का टायर पंक्चर, और रात का शायद 1 बज रहा होगा, एकदम सुनसान जगह, और फिर अंकल बाहर, अंकल आंटी जो थे वो अंकल बाहर आए, और उन्होंने कोई मिला नहीं वहां पर, कोई भी नहीं था उस टाइम, जहां पर आप सब जानते हैं शायद एक साइड में नर्सरीज हैं फ्लावर्स की और दूसरी साइड में ऐसे ही दीवार है, सुनसान जगह है, तो वहां पर टायर पंक्चर हो गया। तो फिर उन दोनों ने ही मिल के और उसके अपनी टायर चेंज किया, और फिर अंकल बसंत कॉन्टिनेंटल तक उसके पीछे पीछे आए, और फिर वहां से वो अपने रास्ते चले गए और बेटी घर आ गई। तो इस तरह से देखिए संगत जी कि गुरु जी को सब पता रहता है, इसीलिए उन्होंने, उनको सब मालूम था कि ये होना है, और आधी रात को अगर बच्ची अकेली होती वहां पर सड़क पर तो कुछ भी हो सकता था, और अकेली टायर भी चेंज नहीं कर सकती थी। तो इस तरह से गुरु जी हर संगत का एकदम पूरी तरह से ख्याल रखते हैं। So, हमें सिर्फ उनके बारे में सोचना है, उनको याद रखना है, बस उनका नाम लेना है, बाकी सब उन पर छोड़ देना है। वो कब बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे, ये सब उनके हाथ में होता है। सो गुरुजी, इस तरह से संगत जी हमारी गुरुजी के साथ जर्नी चलती रही, और मेरा बेटा क्योंकि यहाँ था, उसको तो ज्यादा मौका नहीं मिला गुरुजी के दर्शन करने का, सिर्फ एक बार ही वो 2005 में शायद आया था इंडिया, वो भी बहुत थोड़े दिन, 4-5 दिन के लिए।
और तो हम उसको ले गए थे एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी की उसने गुरुजी के दर्शन किया और उसकी उनकी ब्लेसिंग ली। और इसी तरह ही हमारे सानिल लॉ भी एक बार आए थे इंडिया तभी 2005 में, तो तब उन्होंने भी एक ही बार गुरुजी के दर्शन किए हुए हैं। पर गुरुजी ने बेटी को ब्लेस किया और वो उसको कहते और मतलब जैसे उसको कहते थे कि तू भी जा बाहर, उसको काफी कहते रहते थे तू भी बाहर जा आगे पढ़ाई करो थे। तो उसने अब वो एक दो बार ट्राई कर चुकी थी पहले वीजा, पर आप सब जानते हैं कि डॉक्टर्स को थोड़ा वीजा मुश्किल से मिलता था, तो उसका रिजेक्ट हो गया था। तो बताया गुरुजी को ऐसे, गुरुजी वीजा तो मिलिया नहीं, तो गुरुजी ने कहा कोई नहीं वीजा आंदा पे तू तैयारी कर। तो बस गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, उसको यूएसए उसको भी भेज दिया और उसने वहां रेजिडेंसी करी, फिर फेलोशिप करी और शादी भी हुई और उसको गुरुजी ने एक बेटी और बेटे से ब्लेस किया। सो इस तरह से गुरुजी के साथ हमारी जर्नी चलती रही और हम बड़े मंदिर भी जाते थे। और बीच में अंकल ने जैसे थोड़ा कभी कभी कम कर दिया था जाना, लेकिन मैं तो अकेले ही, जैसे ड्राइवर शाम को चला जाता था फिर भी मैं अकेले ही बिल्कुल ड्राइव करके और जाती थी। और रात को चाहे गुरुजी जितने बजे भी आज्ञा दें, एक बजे दो बजे कुछ डर नहीं लगता था और आराम से घर वापस पहुंच जाती थी। तो इस तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया। अब मैं आपको संगत जी अपना एक जो गुरुजी से मेरे को एक ब्लेसिंग मिली, जो कि बहुत देर में उसको मैंने एज ए ब्लेसिंग रियलाइज किया। जब वहां गुरुजी के पास जाना शुरू किया था तो उसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि, क्योंकि एक्चुअली आपको मालूम ही है कि हम जब हर की लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते हैं और एट दैट टाइम इन 2005 आल्सो वी वर गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच ऑफ अवर लाइफ। तो और इतनी प्रॉब्लम्स थी कि अपने बारे में तो वैसे ही मतलब कभी सोचा ही नहीं था। तो जैसे मेरे को एक्चुअली कई सालों से प्रॉब्लम थी कि मेरी फूड पाइप में हर्निया थी और मैं सॉलिड फूड नहीं खा सकती थी आसानी से, जैसे खाना भी खाना तो एक दो बाइट खाने और मेरे को फिर एक दो सिप पानी पीना पड़ता था और तभी नहीं तो लगता था कि खाना जैसे अड़ गया फूड पाइप में। तो जब वहां जब पहले दिन हम तो दोनों ही थे तो किसी तरह से मैंने थोड़ा सा लंगर प्रसाद लिया। जब सेकेंड डे में हम गए थे और मेरी बेटी साथ में थी तो उसको तो मालूम था, उसने देखा कि मम्मी खाना नहीं खा पा रही है, तो वो मतलब अभी तो मैं खाना ही बोल रही हूँ क्योंकि उस टाइम हमें नहीं पता था कि ये लंगर प्रसाद है। तो उसने देखा कि अंदर तो सब बैठे हैं जैसे लाइनों में लेकिन कहीं भी अंदर पानी सर्व नहीं हो रहा, तो उसको लगा कि मैं तो खाना नहीं खा पाऊंगी। तो उसने जो लंगर प्रसाद सर्व कर रहे थे उन अंकल को बोला कि सेवादार जी को कि पानी का ग्लास चाहिए, मेरी मम्मी खाना नहीं खा सकती है। तो उन्होंने बाहर से पानी का ग्लास लाके दिया और मैं किसी तरह से पानी के साथ पी के मैंने लंगर प्रसाद खाया और आ गए घर वापस। तो गुरुजी तो जानी जान वो सब देख रहे होंगे और उनको पहले से ही पता होगा ये सब। तो थर्ड डे जब हम फिर गए थे तो मैं मेरी बेटी के साथ बैठी थी क्योंकि अंकल थोड़ा दूर थे, वहां ये नहीं होता था कि आपने फैमिली के साथ ही बैठना है, जहां भी जैसे जगह गुरुजी की ही होती थी आ गया ये भी कहां पर कौन बैठ रहा है किसके साथ आपने लंगर करना है, ये सब बातें तो बाद में पता चली। तो मैं और मेरी बेटी साथ साथ में थे तो फिर से वो सोच रही थी कि उसने बाद में बताया सोच रही थी कि फिर से पानी मंगाए, लेकिन उसने देखा कि मैं तो बड़े आराम से खाना खाई जा रही हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही मेरे को खाने में, ना मैंने पानी मांगा। तो वो देखती रही। तो फिर जब मैंने पूरा खा लिया, हमारा लंगर प्रसाद पूरी थाली खाली हो गई, हम चारों लंगर जो खाना खा रहे थे, तो वो कहती है मॉम डू यू नो क्या हुआ है, आई सेड नहीं क्या हुआ है, कहती डू यू नो यू हैव फिनिश्ड द होल फूड विदाउट वाटर। वाओ इमेजिन, मैं तो ये रियलाइज ही नहीं करा था कि मैंने सारा लंगर प्रसाद बिना जल प्रसाद के खा लिया है, तब भी ना उसने और ना मैंने
ये नहीं सोचा कि ये गुरुजी कर रहे हैं या उनकी ब्लेसिंग है। ठीक है, हो सकता है भाई एक दिन ऐसा हो गया है तो अब उसके बाद तो ख्याल ही नहीं आया, तो अब रोज उसके बाद हमेशा घर में भी वो दिन और आज का दिन संगत जी गुरु जी की ऐसी ब्लेसिंग कि अब मेरे को खाना खाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती, मैं आराम से खाना खा सकती हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम मेरी इतने सालों से चल रही थी और इतने टेस्ट कराए थे, इतने डॉक्टर्स से पूछा था, सबने इसका क्योर सर्जरी बताया था, लेकिन मैं बहुत डरती थी और बस काम चला रही थी कि जब तक चलता जाएगा ठीक है, तो काम चल रहा था। लेकिन प्यारे गुरु जी ने एक लंगर प्रसाद से मेरी वो सालों की प्रॉब्लम को बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी उसके दवाई के ठीक कर दिया। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और इसको मैंने आई थिंक कई सालों तक, आप मानोगे नहीं संगत जी, ये नहीं सोचा कि गुरु जी के ब्लेसिंग की वजह से हुआ है ये मेरे साथ, नहीं, यही सोचा कि एक प्रॉब्लम थी खत्म हो गई। इसी तरह से ही मेरे को कुछ एक माइग्रेन की भी प्रॉब्लम थी बड़े सालों से, जैसे हेडेक हो जाती थी और साथ में वॉमिटिंग और ये सब, इट यूज्ड टू बी वेरी क्यूट, फिर बाद में कुछ सालों से कम थी लेकिन फिर भी होती थी। और वो भी कब ठीक करी गुरु जी ने, आई डोंट रिमेम्बर रियली, आज तक मेरे को वो दिन याद नहीं है कि मेरे को कब से वो प्रॉब्लम भी मेरी खत्म हो गई। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स, इतनी हिडन ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी कि हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि हमें तो सिर्फ वही दिखता है जो हमें चाहिए और हम वही सोचते हैं कि हम इस दर पे जा रहे हैं तो हमारा ये काम हो रहा है तो चलो ठीक है, ये हमें चाहिए या हम चाहते हैं। लेकिन गुरु जी तो हर पल हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, और खासकर आप देखिए इस इतने हार्ड टाइम में, इतने डिफिकल्ट टाइम में अगर हम गुरु जी का नाम ले पा रहे हैं और हम जिंदा हैं तो वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो गुरु जी क्या ब्लेसिंग देते हैं, कब देते हैं, हम कुछ नहीं जानते। सो बस इसलिए हमें केवल उनका शुक्राना शुक्राना करना चाहिए। और कहते हैं ना, जैसे आज का पहला शब्द कितना अच्छा था कि गुरु का नाम ही अगर हम मांग लें, गुरु को ही मांग लें, तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा हमको। पर ये सब मानना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, हम लोगों की बुद्धि इतना नहीं समझ पाती और हम तो हमारी डिमांड्स और हमारी लिस्ट जो होती है इतनी लंबी होती है कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों में पड़े रहते हैं। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो मैं देना चाहना हुआ वो कोई नहीं मंगता थे। तो हमें मांगना नहीं है, उनको मानना है, जैसे कि हम इतना बार सुन चुके हैं फिर भी हम उतना नहीं अपने आप को, उतने हमारे विश्वास को पक्का कर पाते कि हम उनकी ब्लेसिंग को पूरी तरह से ले सकें। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरे को भी ब्लेस किया, हालांकि मैंने कभी अपने बारे में उनसे ना कोई बात करी, अपनी तकलीफ के बारे में यानी किसी फिजिकल प्रॉब्लम के बारे में तो मैंने अपनी कभी बात नहीं करी उनसे, बस दूसरी प्रॉब्लम बच्चों की ये वो सब, उन सब के बारे में कई बार गुरुजी से बात करती थी। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, और पर डर लगता था, मैं आपको बताऊं संगत जी, मैं कभी गुरुजी के सामने बैठ के बात नहीं करती थी, मैं हमेशा पीछे खड़ी हो जाती थी उनकी चेयर के और फिर नीचे झुक के उनके कान के पास वहां खड़े होके बोलती थी कि गुरुजी मेरे को आपसे ये बात करनी है, और गुरुजी उसका एकदम से जवाब भी देते थे जैसे ब्लेस करते थे। तो उनके साथ आंख मिलाना या उनके साथ सामने खड़े होके बात करना तो बहुत मुश्किल था। तो लेकिन गुरुजी भी, ये भी उनकी मर्जी पे होता था, मौज होती थी कि कब वो आपसे बात करेंगे और कब नहीं करेंगे, क्योंकि हम कई बार ऐसा होता था कि हम जैसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि थोड़ा छुप के बैठने लग गई, स्पेशली जब मैं अकेली होती थी और गुरुजी से कुछ बात करनी होती थी तो मैं छुप के थोड़ा पीछे होके बैठ जाती थी, लंगर प्रसाद लेके जब बाहर से हाथ धो के आते थे कि कहीं गुरुजी देख ना लें और ऐसे इशारा करके बुला ना लें, तो मेरे को तो बैठना है आज उनसे बात करनी है। और गुरुजी तब तो एकदम से ऐसे झुक के, उनको तो सब पता रहता था कौन पिलर के पीछे बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, और वो एकदम से बुलाते थे, चलो किरण आंटी शो खत्म कर चलो, सो वी हैड टू गो।
और कभी ये सोच के जाते थे जैसे कहीं जाने का प्रोग्राम है या कुछ वैसे काम है कि आज तो जल्दी से बस लंगर प्रसाद लेके और गुरुजी से आज्ञा लेके घर आ जाना है या कहीं जाना है, तो उस दिन तो गुरुजी से कितनी बार, 2-3 बार कम से कम आज्ञा ले लो और गुरुजी हमेशा जाओ बैठ जाओ करते थे। तो हम जाना गुरुजी के पास और वहां से उनकी आज्ञा मिलनी, वो सब उनके हाथ में होता था कि हम कब उनसे आज्ञा लेकर, वो कब आज्ञा देंगे हमें जाने का। और हम अब सच में इतना अंदर से अपने आप को वो करते हैं कि मैं माफी मांगती हूँ कि गुरुजी तब हमें मिल रहा था मौका, और हम क्यों कई बार जैसे जाने की जल्दी में होते थे, हमने क्यों वो टाइम ऐसे अपनी इस छोटी सोच की वजह से हमने वो उसको गवा दिया। एनीवे, गुरुजी के साथ जो थोड़ा सा समय मिला वो बहुत ही, उस समय को तो कभी भूल नहीं सकते कि जो टाइम थोड़ा सा उनके चरणों में बिताया। फिर हमें बड़े फंक्शंस के बारे में पता लगा तो गुरुजी के साथ बड़े मंदिर में हमने 2005 का बड़ा फंक्शन, आई थिंक न्यू ईयर का ही 31 दिसंबर का पहली बार मनाया था गुरुजी के साथ। और उस टाइम पे मेरे को याद है गुरुजी का जो सिंहासन सोफा होता था जैसे, जिसके ऊपर वो बाहर शिव मूर्ति और बड़े मंदिर हॉल के बीच में जो खाली जगह है वहां पर उनका सोफा था और थोड़ी संगत वहां बैठी थी, और बाकी जो सामने जहाँ अब गुरुजी का समाधि मंदिर है वहां पर स्टेज होता था और वहीं पर परफॉर्मेंसेस और आई थिंक उसमें हंसराज हंस और कई ऐसे सिंगर भी आते थे और परफॉर्मेंसेस और डांस होता था। तो वो सब हमने देखा, बहुत ही जैसे आनंद वाला हमेशा वो दृश्य होता था। पर 2006 में तो सारे बड़े फंक्शन, शिवरात्रि, देन वैसाखी, गुरुजी का बर्थडे और न्यू ईयर तो मेरे को याद है तब अंदर हॉल में था, संगत बढ़ गई थी और गुरुजी ब्यूटीफुल येलो चोले में वैसाखी में अंदर बैठे थे और वहां आशीर्वाद दे रहे थे इस पूरी संगत को। और रात को बहुत देर तक फिर हमने हॉल में ही अंदर जैसे डांस और कितने ही डांस परफॉर्मेंसेस भी हुए। तो वो जो क्षण गुरुजी के साथ बिताए हैं, जो उन्होंने हमें ये दिया, उसको तो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से गुरुजी के साथ हमारा, हम जाते थे जैसे, और जैसे आपको बताया। फिर 2007 में मई 27th संडे था और हम गुरुजी के पास एज यूजुअल, मैं और अंकल, हम दोनों गए सत्संग अटेंड करने। और आज्ञा लेने के टाइम हमने गुरुजी को कहा कि गुरुजी हम जा रहे हैं, बच्चे बुला रहे हैं यूएसए और हम जा रहे हैं, 29th की हमारी टिकट है, हम यूएसए जा रहे हैं बच्चों के पास। तो गुरुजी ने स्माइल किया, बड़े प्यार से देखा और बोला हाँ ठीक है, जाओ ऐश करो जाओ। सो दीज आर हिज लास्ट वर्ड्स आई रिमेम्बर विच आई हर्ड फ्रॉम हिज माउथ। एंड उनके, क्योंकि पर हमें ये तब तो नहीं मालूम था कि जब हम वापस आएंगे 2 जुलाई को तो गुरुजी के दर्शन नहीं होंगे। सो संगत जी, दैट वॉज द लास्ट दर्शन जो गुरुजी ने के साथ हमने जो समय बिताया। और जब हम वापस आए संगत जी और वहां थे, और हमारे पास किसी संगत का ना तो फोन नंबर था और ना अभी ज्यादा हम, जैसे आपको बताया, किसी से बातचीत होती थी, सिर्फ सिंगल अंकल और विपी अंकल को जानते थे, लेकिन उनका भी फोन नंबर नहीं था, जैसे था भी लेकिन हमने कभी फोन ऐसे किया नहीं था। तो ना हमें पता लगा कि ऐसे कि 31 जुलाई को गुरुजी ने मां समाधि ले ली है। तो जब हम 31 मई को, सॉरी, और फिर हम जब वापस आए 2 जुलाई को, तो इट वॉज आई थिंक थर्सडे और फ्राइडे। तो मेरा बहुत मन था कि हम इमीडिएटली गुरुजी के पास शाम को जाएं संगत में, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, गुरुजी की आज्ञा है संडे की, तो हम संडे को ही जाएंगे। तो हम संडे को एज यूजुअल अपना तैयार होके एम्पायर स्टेट गए।
और वहाँ गाड़ी पार्क करी बाहर और अंदर गए जब हम, तो एम्पायर स्टेट में बिल्कुल अंधेरा बाहर, जबकि जब हम पहले जाते थे तो एकदम जैसे दिन चढ़ा होता था, इतनी लाइट और इतनी रौनक सब, इट यूज टू बी रियली नाइस। तो हम बड़े हैरान कि ये क्या है, आज यहाँ कोई भी नहीं है। तो हमने सोचा दिल में कि गेट पे ही खड़े हुए कि शायद बड़े मंदिर में कोई फंक्शन होगा इसलिए यहाँ पर कोई नहीं है। और हम जैसे अंदर गए थोड़ा देखा तो वहां एक चेयर पे बाहर एक लड़की बैठी थी, तो हम आगे जाके उनसे पूछा तो उन्होंने कहा वो थी गुरुजी की भतीजी, बाद में पता लगा हमें। तो हम गए तो उनसे हमने पूछा कि आज क्या बात है, आज यहाँ संगत नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी यहाँ नहीं हो रही संगत। तो हमने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते अच्छा आपको मालूम नहीं है कि? फिर उन्होंने बताया गुरुजी के बारे में। तो संगत जी वो सुन के तो जैसे हमारे पैरों थले जमीन निकल गई, और इतना जैसे बस ऐसे लगा कि जैसे होता है ना कि आप ऑर्फन हो गए, सच में वही फीलिंग आई कि अब क्या होगा, गुरु जी के बिना अब हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा आप अंदर जाइए, तो उन्होंने फिर हमें अंदर भेजा। तो अंदर जैसे ही हम गए तो वहां पर जहाँ गुरु जी बैठे होते थे, और आज भी वही वहां पर यही स्वरूप जो गुरु जी का एक ग्रे एंड व्हाइट चोले में है बड़ा, ये जो उनकी चेयर के ऊपर ये स्वरूप पड़ा था। बस देखते ही तो एकदम आज भी वो सोच के कि ये क्या हो गया, तो बस रोना ही बंद नहीं हो रहा था। और लेकिन वहां इतने में सुधा आंटी थी, सिंगला अंकल थे, उन्होंने हमें बिठाया, और उस दिन भी हमें गुरुजी ने चाय प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद करवाया, और सिंगला अंकल ने बोला कि गुरुजी की आज्ञा है कोई नहीं रोएगा बिल्कुल, तो आप प्लीज आप रोना बंद करिए। तो खैर किसी तरह से सो उस दिन भी जैसे हम गए हैं, और गुरुजी, और तब तक मैंने देखा था संगत जी के गुरुजी ने कभी भी, आप चाहे बड़े मंदिर जाओ या छोटे मंदिर, कभी गुरुजी के यहाँ से प्रसाद या चाय प्रसाद मिले खाली या प्रसाद भी मिले उसके बिना गुरुजी ने कभी नहीं भेजा हमको। तो इस तरह से हमें जब पता लगा, फिर उसके बाद काफी समय तक तो जैसे हिम्मत ही नहीं होती थी जाने की, ना बड़े मंदिर ना छोटे मंदिर, तो कुछ समय लग गया हम लोगों को। तो मैं आपको तब का भी बताऊं कि जब हम पहले जाते थे बड़े मंदिर तो बहुत थोड़ी संगत होती थी, और मतलब क्योंकि कोई फिक्स टाइम या ऐसे सत्संग नहीं होता था, तो कभी भी जैसे कोई भी चार संगत आ रही है थोड़ी सी, कभी दो तीन जने आ रहे हैं, इस तरह से आते थे, हत्था टेका और चले जाते थे। तो हम भी जब जाते थे जैसे होता है ना कि शुरू शुरू में जाने लगे कि शिव जी के मंदिर जा रहे हैं मंडे को, तो रास्ते में से दूध की थैलियां ले लेनी, कभी फिर पता लगा कि गुरु जी को समोसे कौन सी दुकान कैसे लगते हैं, कुछ समोसे ले जाने, कभी जलेबियां ले जानी, और जाकर वहां माली अंकल होते थे बस, और दो चार संगत होती थी तो माली अंकल ने चाय बनानी और फिर चाय प्रसाद लेके हम लोग आ जाते थे। तो इस तरह से यहाँ कोई और संगत प्रसाद जलेबियां हम होती, प्रसाद होता लेकिन केवल जलेबियां और समोसे का था। तो हर बार कुछ ना कुछ प्रसाद गुरुजी ने जरूर दिया, कभी भी ये नहीं कि खाली हम ऐसे वापस आ गए हूँ। तो उस दिन भी इस तरह से गुरुजी ने पूरा लंगर प्रसाद, जो कि मतलब रोते रोते भी खाया लेकिन लंगर प्रसाद खाया गुरुजी का, और उनकी ब्लेसिंग इस तरह चलती रही। तो बहुत दिनों तक मैं अपने आप को ये एडजस्ट नहीं कर पाई, जैसे कि ये नहीं सोचा था ना, क्योंकि कि वो परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, जो कि हर कण में है, हमारे साथ हैं, उनका फिजिकल चोले में होना या ना होना इट डजंट मैटर। तो मेरे को फिर बच्चे जैसे यहाँ यूएसए में थे और हम वहां थे, और मैं बहुत बार कहती थी कि अब क्या करूं, बहुत मतलब परेशान रहती थी। तो आप मानेंगे नहीं, कई बार होता है कि हमें बच्चों से सीखना मिलता है, हम अपने आप को बड़ा कहते हैं लेकिन बच्चे कई बार ऐसी बात बोल देते हैं कि वो बहुत ही मीनिंगफुल होती है। तो बच्चों ने मेरे को कहा कि मॉम आप क्यों इतना सोचते हो, जब आप यहाँ थे और गुरुजी तब 31 मई को ही चले गए थे लेकिन आपको मालूम नहीं था, और वो एक डेढ़ महीना जो आप 2 महीने यहाँ रहे, तो आपने
ये तो नहीं सोचा, आप तो रोज उनको प्रे करते थे और हमेशा कहते थे कि गुरुजी हैं, और आपको लगता था कि बस गुरुजी हैं तो कुछ फिकर नहीं करना है, तो यू आर टॉकिंग लाइक दैट। तो उस टाइम भी तो आपको वो पीस और तसल्ली और वो मिल रही थी ना, तो अब आप ऐसे क्यों सोचते हो, अभी भी वो आपके साथ हैं। तो उस दिन के बाद मेरे को आया कि यस वाकई बच्चे एकदम ठीक बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा जैसे कि हम साईं बाबा के पास जाते हैं, अब उनको तो हमने कभी देखा नहीं, लेकिन उनको भी तो हम भगवान ही मानते रहे हैं अब तक, और वो हम उनको ब्लेसिंग देते रहे हैं, हमारे सब काम जो भी हम डिजर्व करते थे करते रहे हैं वो। उसी तरह से गुरुजी को जब आपने मान लिया है और वो भगवान है, तो फिर वो तो हमेशा हमारे साथ हैं। तो वो दिन संगत जी शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने जैसे ये उनके थ्रू मैसेज दिया और मेरे में हिम्मत आ गई, और मैंने फिर से बड़े मंदिर जाना, और इवन छोटे मंदिर में भी सत्संग हो रहे थे तो वहां भी मैंने अटेंड करे। एवरी संडे वही गुरुजी की आज्ञा के अनुसार संडे ही जाती थी, और मोस्टली अकेली जाती थी क्योंकि अंकल नहीं जाते थे, और थर्सडे को तो बेटी थी नहीं यहाँ पर। तो एक्चुअली जब वो बेटी आ गई थी यहाँ पर यूएसए में, तो मैंने गुरुजी से एक बार संडे को पूछा, गुरुजी अब क्योंकि मेरा दिल करता था कि मैं चारों दिन जाऊं, लेकिन यही सुना कि गुरुजी जिस दिन की आज्ञा देते हैं उसी दिन ही जाना है हमें। तो मैंने गुरुजी से पूछा भी एक दिन कि गुरुजी अब तो वो यहाँ नहीं है और आप उसको थर्सडे को बुलाते थे, तो मेरे को भी प्लीज आज्ञा दे दो उस दिन आने के लिए, मैं थर्सडे को भी आ जाया करूं। तो गुरुजी ने सिर्फ स्माइल किया, सिर हिला दिया, क्योंकि उनको पता था कि मैं शायद नहीं आ पाऊंगी थर्सडे को, और वाकई मैं नहीं जा पाती थी, सोचती थी फिर भी नहीं जा पाती थी। तो इस तरह से जो गुरुजी का बुलावा, और जैसे तो अब ये सब होता रहा, तो गुरुजी के यानी हम दर्शन करने या उनका सत्संग सब उनकी आज्ञा के बिना हम नहीं कर पाते। और जैसे जैसे अब हम फिर यहाँ पर साल में आते थे कई बार और बच्चों को मिलने के लिए, पर लेकिन वहां जितना देर होती थी तो मैं जरूर कोई सत्संग या मिस नहीं करती थी। अच्छा, गुरुजी के होते हुए क्या एक और आपको बताऊं कि गुरुजी अपने गुरुजी के होते हुए भी सत्संग होते थे लेकिन बहुत कम, और पता भी नहीं लगता था हमें जैसे, क्योंकि गुरुजी खुद ही इन्विटेशन दिलवाते थे, और इवन शादियों के कार्ड भी गुरुजी की आज्ञा से ही थोड़ी संगत को किसी को दिए जाते थे जैसे। तो हमें भी गुरुजी ने इस लायक समझा होगा या जो भी, तो दो बार शादी का कार्ड, एक बार तो अपने हाथ से भी दिया, कहा आना, तो हमने घर जाकर देखा तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये तो हम इनको तो जानते नहीं है, तो ऐसे जाना तो ठीक नहीं है, और हम नहीं गए। देखिए ऐसे हम लोग अपनी बुद्धि लगा के जो सोचते थे कितना गलत, हमें नहीं मालूम होता था कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिलनी है वहां पर, और हम नहीं गए। लेकिन सत्संग हमने गुरुजी के साथ कई जगह पर अटेंड करे। तो एक बार मेरे को याद है कि हम 2007 में ही शायद हमने विंटर थी, और हमने तिलक मार्ग पर एक अंकल है ब्यूरोक्रेट, उनके यहाँ ही सत्संग अटेंड किया, तो बहुत अच्छा लगा। मेरे अंकल ने सोचना शुरू किया, कहते हैं अब हमको भी अपने गुरुजी का सत्संग करवाना चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, वापस आएंगे जब यूएसए से जुलाई में, तो उसके बाद हम आकर गुरुजी से आज्ञा लेकर बात करेंगे सिंगला अंकल से और विप्पी अंकल से, और हम सत्संग अरेंज करेंगे। तो ये सोचते हुए हम वापस आए थे, लेकिन आकर जब पता लगा तो वो नहीं हो पाया। और संगत जी, सत्संग घर में करवाना यानी गुरुजी का आना या हमें गुरुजी के पास जाना, उनकी आज्ञा के बिना नहीं हो सकता। आप देखिए, हम 2005 मार्च में गुरुजी से मिले थे पहली बार, और हमने जो हमें गुरुजी ने जो आज्ञा दी सत्संग करवाने की घर में, उनके आने की, वो भी हमें मिली 31 मई 2013, और वो भी यूएसए में बेटे के गया हमारे घर में। तो इतने साल लग गए हमें गुरुजी से आज्ञा मिलते हुए कि गुरुजी को अपने घर में, और हालांकि हम हमेशा सोचते रहे
कि बुलाना है गुरुजी को, घर में बुलाना है, कि सत्संग करवाएंगे, लेकिन नहीं करवा पाए। तो गुरुजी ने 31st और यूएसए में, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये भी एक बहुत बड़ा प्यारा सत्संग है कि मेरे को गुरुजी यहाँ पर कैसे मिले, क्योंकि जानती नहीं थी मैं कि यहाँ पर भी कोई संगत है, यहाँ संगत होती है, सत्संग होते हैं। तो हम तो हर साल आते थे, लेकिन ये नहीं मालूम था उस टाइम पे। तो 2012 एंड में हम यहाँ पर समर में आए थे, और फिर हम जैसे वापस जाने वाले थे विंटर में, तो अक्टूबर नवंबर शायद था, तो हम वापस जाने वाले थे, लेकिन अंकल की कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो एक दिन गिर गए थे तो वो नहीं ट्रेवल कर पा रहे थे, कुछ और भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से हमारा जाना रुक गया। तो मैं बहुत गुरुजी की स्वरूप के आगे रोज सुबह जैसे प्रार्थना करनी, उनको अरदास करनी, गुरुजी आप ये क्या इतना मुश्किल समय फिर से आ गया है ऐसे, और कब हम जा पाएंगे इंडिया, कब मैं बड़े मंदिर जा पाऊंगी, और मैं वहां होती तो मैं रोज जाती आपको अरदास करती, तो आपसे इस प्रॉब्लम से निकालने का जैसे कुछ सॉल्यूशन। लेकिन मतलब मैं रोज सुबह रोती थी जैसे, तो हफ्ता 10 दिन ही हुआ होगा ऐसे, क्योंकि मालूम नहीं था कि 2 महीने तक तो अभी ये ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो हफ्ते 10 दिन के बाद ही मेरे को, जैसे सुबह बेटा चला जाता था ऑफिस, तो मैं लैपटॉप खोल के कभी कभी ऐसे कुछ भी ईमेल वगैरह चेक करने के लिए बैठ जाती थी। तो जैसे मैंने लैपटॉप खोला उस दिन सुबह, आई स्टिल रिमेम्बर इट वॉज 6th of January 2013। और मैंने लैपटॉप खोला जब ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद, तो एकदम से उसपे यूएसए का पूरा मैप स्क्रीन पे आ गया, और उसमें फ्लैग्स लगे थे, तीन चार जगह शायद फ्लैग दिख रहे थे ऐसे रेड कलर के, और उसके नीचे किसी किसी का नाम और फोन नंबर वगैरह लिखा हुआ था, और ऊपर था गुरुजी सत्संग। ओ माय गॉड, गुरुजी का नाम पढ़ते ही मैं तो एकदम से वो हो गई, और देखा, और फिर हम जैसे फ्रीमॉन्ट में रहते थे, तो मैंने देखा तो फ्रीमॉन्ट ही लिखा था उसमें, एक न्यूयॉर्क न्यूजर्सी लिखा था शायद, और फिर फ्रीमॉन्ट लिखा था, और उसमें संदीप आंटी का नाम, और उसके नीचे उनका फोन नंबर नहीं था, बाकी सबके फोन नंबर थे, केवल ईमेल दिया हुआ था एड्रेस। तो मैंने पढ़ा और अरे ये क्या, फोन नंबर होता तो मैं अभी फोन करती, लेकिन anyway, मैंने जल्दी से आई जस्ट रोट 2 lines ईमेल की लिखी उनको, और उसमें अपना फोन नंबर लिख दिया। बस अब ये सोचने बैठ गई कि पता नहीं वो आंटी रोज देखती होंगी ईमेल या नहीं, कब देखेंगी, कब मेरे को फोन आएगा उनका, और कब मेरे को गुरुजी के सत्संग के बारे में पता लगेगा कि क्या है यहाँ पर, कैसे है। तो इतने में आप मानेंगे नहीं संगत जी, विद इन 5 minutes भी नहीं गुजरे होंगे कि उनका फोन आ गया, और उन्होंने मेरे को बताया। तो मैंने उनको जैसे बताया कि हम बेली से हैं, और गुरुजी का मेरे को यहाँ पर आपने जैसे मेरे को मैंने देखा है इसके ऊपर। तो शी टोल्ड मी कि आंटी एक तो कल ही सत्संग था हमारा, यहाँ हमारे सत्संग होता है तो मोस्टली महीने में एक बार होता है, यहाँ इस बार 2 बार है, और कल ही था 5 तारीख को किसी के घर में, और अब 26 जनवरी को है। उन्होंने नाम बताया, एड्रेस बताया कि आप वहां आइए। तो इस तरह से देखिए, आपने आप ये देखो गुरुजी ने कैसे मेरे को रास्ता दिखाया यहाँ पर, अपने दर्शन कराए, संगत के दर्शन कराए, उनसे मिलवाया। तब तो बहुत थोड़ी सी संगत होती थी, तो तब 26 जनवरी को 13 में फर्स्ट टाइम मैं, अंकल और हमारा बेटा, हम तीनों सत्संग अटेंड करने गए। हमारे बेटे ने तो पहली बार सत्संग अटेंड किया था, जैसे उसको भी बहुत अच्छा लगा, फिर हम जाने लगे जब भी जैसे पता लगता था। पर संगत जी आप मानेंगे नहीं, आज तक मैंने दोबारा कभी वो मैप नहीं देखा दोबारा से स्क्रीन के ऊपर, जिसमें कि ऐसे हो, और बिना क्लिक किए और बिना कुछ किए वो जैसे आ गया था स्क्रीन पर। दैट वाज गुरुजीज मिरेकल, उनका बुलावा था, उनके उन्होंने दर्शन देने थे, उन्होंने सत्संग में मेरे को, मैं इतना उनको जो कह रही थी, तो
देखिए संगत जी, गुरु जी हर जगह हैं, और अब तो आप देखिए गुरु जी हर घर में, हर सिटी में, हर कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में हैं, और हमें अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं सबको, पूरी संगत को, पूरे संसार को, और बस केवल हमें ही उनके साथ जुड़े रखना है अपने आप को, और यही उनसे प्रार्थना करनी है कि हमें, हमारा हाथ वो ना छोड़े, क्योंकि हम तो फिर वही इफ्स एंड बट्स वाले और मन बुद्धि वाले, हम कभी उनका हाथ, अगर उनका हम पकड़ेंगे तो शायद छोड़ भी दें, लेकिन अगर उन्होंने एक बार हाथ पकड़ लिया तो हमें पूरा विश्वास है कि वो कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन संगत जी, ये जरूरी नहीं है कि गुरु जी मिल गए हैं तो हम ये सोचें कि हमारी लाइफ अब बस सब अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि सब अपने कर्मों का फल तो हमें भोगना ही है। ये तो गुरु जी हमेशा ही कहते थे कि 90% चाहे मैं अपने पे ले लेता हूँ, लेकिन 10% तो आपको खुद भोगना ही भोगना है। तो इसीलिए जो उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं या मुश्किल टाइम आता है, तो वो सब हमारे अपने कर्मों का ही फल होता है। इसमें किसी का दोष नहीं, किसी को ना दोष देना चाहिए हमें। बस गुरु जी अगर हमारे साथ हैं, उनकी प्रोटेक्शन का अम्ब्रेला हमारे ऊपर है, तो वो टाइम भी वो निकाल देते हैं। तो हमें उन्हीं में ही श्रद्धा और विश्वास रखना है। तो बस संगत जी, हमें जैसे अब मैं आपको बताऊं कि हम उसके बाद भी हम जाते रहे गुरु जी के पास। अब जब भी इंडिया में होते थे तो कोई संडे नहीं मिस करते थे। अंकल और मैं, हम दोनों बड़े मंदिर जाते थे। मंडे को हम लोग हमेशा बड़े मंदिर जाते थे। तो हम और गुरु जी का मजाक करने का आप सबको अब तो बहुत पता लग गया है कि इतनी पुरानी संगत के भी सबके सत्संग सुन के कि गुरु जी मजाक बहुत करते थे और कई कई एब्रीवेशन के फुल फॉर्म्स जैसे बड़े और तरह के बताते थे। तो अंकल ने भी जब जाना तो गुरु जी ऐसे स्माइल करके बोलते थे, आ गया इनविजिबल आफ्टर सनसेट। ये गुरु जी का फुल फॉर्म था IAS का। और अंकल क्योंकि कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, उनके दिमाग में थोड़े इफ्स एंड बट्स थे, उनका अपना जो भी कनेक्शन था गुरु जी के साथ। तो गुरु जी कहते थे आई कन्फ्यूज, तो गुरु जी कन्फ्यूज वर्ड भी यूज करते थे ऐसे। लेकिन ये सब उनका, क्योंकि हर एक का अपना कनेक्शन है गुरु जी के साथ। लेकिन आई थिंक 2010 ऑनवर्ड्स अंकल इतने ज्यादा, रादर आई विल से कि ज्यादा रेगुलर तो 13 के बाद हुए, जब यहाँ पर सत्संग अटेंड किया। फिर उन्होंने ना तो यहाँ का कोई सत्संग मिस किया कैलिफोर्निया का, और ना ही जब हम इंडिया में होते थे तो वहां का संडे और मंडे हम बड़े मंदिर जाते थे। तो वो सब चलता रहा, लेकिन फिर हम कितना भी कह लें कि हमें पूरा विश्वास है, हमारा कनेक्शन है गुरु जी के साथ, लेकिन कभी कुछ ऐसा समय आता है कि जैसे 4 नवंबर 2018 में गुरु जी ने अंकल को अपने पास बुला लिया। और जब ऐसा समय आता है तो हम अपना विश्वास थोड़ा कुछ भी हो कुछ समय के लिए तो खो ही देते हैं। जैसे हम कितना भी कहें कि हम बिल्कुल गुरुजी के साथ हैं, हम गुरुजी को मानते हैं, हमें पता है गुरुजी हमारे साथ हैं। तो अंकल काफी दिन ICU में रहे और फिर गुरुजी उनको ले गए। तो मैं अब यही मानती हूँ कि उन्होंने जो पिछले उनके कर्म थे सब कटवा के और फिर उनको अपने पास ले गए। तो संगत जी ये क्या जो भी उनको, तो गुरु जी का भाना हमें मानना है और ये सब तो उनके हाथ में है, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। तो संगत जी, और मैं आपको जैसे और एक अंकल का ही बहुत ही प्यारा सत्संग है जो मैं आपको सुनाऊं। गुरुजी अंकल का बर्थडे 3 जनवरी को होता है। तो 2014 में 3 जनवरी को हमने बड़े मंदिर शाम को जाना था, क्योंकि तब तक तो ये हो गया था कि बर्थडे है या एनिवर्सरी है या कोई भी बच्चों का बर्थडे है तो मनाने का तरीका यही था कि बस बड़े मंदिर जाना है गुरुजी के पास।
तो वही करते थे हम हमेशा। तो लेकिन अंकल जब मैं अकेली जाती थी तो मैं हमेशा डायरेक्ट जाती थी गुरुजी के पास जब पहले, लेकिन बाद में तो अब अंकल हमेशा साथ होते थे 13 ऑनवर्ड्स। तो 14 जनवरी 3 को जब भी अंकल के साथ मैं जैसे जाती थी तो अंकल हमेशा रास्ते में साईं बाबा का मंदिर आता था वसंतपुर में, तो वहां जरूर जाते थे माथा टेकने के लिए और फिर वहां से आगे गुरुजी के मंदिर। तो 3 जनवरी को भी जैसे हम पहले गए साईं बाबा मंदिर, क्योंकि वो शुरू से कई सालों से साईं बाबा से अटैच्ड थे जैसे, तो मैं भी कुछ नहीं, हालांकि मैंने तो साईं बाबा के बारे में सिर्फ शादी के टाइम ही सुना था जब मेरी शादी हुई थी, उसके पहले तो दिल्ली में रहते हुए भी हमें नहीं पता था कि लोधी कॉलोनी में साईं बाबा मंदिर है या कोई ऐसा है। एनीवे, फिर बाद में तो जो भी था, लेकिन वो हमेशा रास्ते में पहले साईं बाबा मंदिर माथा टेक के और फिर आगे गुरुजी के बड़े मंदिर जाते थे। तो हम रास्ते में मंदिर गए और वहां आरती शुरू हो गई साईं बाबा की, तो देर हो गई थोड़ी, फिर वहां से निकले और ट्रैफिक मिला और भी लेट हो गए। तो देर होती गई और सर्दियों के दिन थे, जनवरी का महीना, तो अंकल ने ड्राइवर को बोला कि थोड़ा कोई डार्क स्पॉट होगा तो वहां पर साइड में गाड़ी रोकना, ही वांटेड टू ईज हिमसेल्फ। तो कहीं पर एकदम रास्ते में जैसे उस टाइम, तो अब तो काफी वेल लेट और सड़कें भी चौड़ी हो गई हैं और अच्छा होता है, तो उस टाइम पे इतना नहीं था, तो एकदम रास्ते में विलेजेस जैसे आते हैं तो एकदम डार्क स्पॉट देख के ड्राइवर ने साइड में गाड़ी खड़ी कर दी और अंकल लेफ्ट साइड से नीचे उतरे, गाड़ी से बाहर गए। इतने में मेरे को फोन आ गया और मैं फोन अटेंड करने लगी और ड्राइवर राइट साइड से अपना बाहर निकल के खड़ा हो गया उधर। तो थोड़ी देर हो गई, जैसे मैं फोन पे बात कर रही थी मेरे को रियलाइज नहीं हुआ कि काफी टाइम हो गया है। तो ड्राइवर आया कि आंटी अंकल कहाँ गए हैं, अभी तक आए नहीं, क्या बात हो गई। मैंने कहा अभी आ जाएंगे, कोई नहीं। तो इतने में अंकल आ गए और जैसे ही अंकल अंदर आके बैठे तो उन्होंने जैसे ब्लेजर पहन रखा था तो मेरे को कहा कि देखो मेरे ब्लेजर या ट्राउजर पे कहीं मिट्टी तो नहीं लगी, तो वैसे झाड़ने लगे। मैंने कहा नहीं, कहीं मिट्टी तो नहीं, मैंने लाइट ऑन करी गाड़ी की, देखा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा मिट्टी कहाँ से आएगी, मैं बड़ी हैरान हुई, पर मैं एक्चुअली बड़ी अंदर से वो एजिटेटेड सी हो रही थी कि देर हो रही है। तो मैंने उनको कहा आपने इतनी देर लगा दी और हम लेट हो रहे हैं वहां पर मंदिर जाने के लिए, लेट हो रहे हैं हम। तो मैं बहुत अंदर से डेस्परेट हो रही थी कि जल्दी पहुंचे। तो खैर हम चल पड़े, हम 8:30 पे बड़े मंदिर के गेट में एंटर किया हमने। तो मैं जल्दी जल्दी, हम चल रहे थे कि जल्दी से जाएं, क्योंकि 8:40 के करीब वहां पर तब चाय प्रसाद मिलना बंद हो जाता था और मंत्र जाप शुरू होता था 9:45 के करीब। तो मेरे को था कि आज अंकल का बर्थडे है, मैं दिल में सोची जा रही गुरुजी प्लीज प्लीज अंकल को चाय प्रसाद मिल जाए, उनको आप ब्लेस कर देना प्लीज प्लीज करके मैं उनको अरदास करी जा रही थी। पर हम जब तक पीछे पहुंचे तो 8:40 हो चुके थे और मैंने जैसे ही हम पीछे जैसे सीढ़ियां 2-3 उतर के नीचे जाते हैं बैकयार्ड में जहां लंगर प्रसाद भी करते हैं हम लोग, तो वहां चेयर्स होती थी पीछे, तो वहां बैठना होता था क्योंकि हम नीचे नहीं बैठ पाते थे। तो वहां गए हम, जैसे उतरे तो अंकल को मैंने एक को पूछा अंकल प्लीज चाय प्रसाद मिलेगा, पर वो जल्दी जल्दी लाइन चला रहे थे कि जल्दी से बैठिए आप लोग, मंत्र जाप शुरू होने वाला है। तो जैसे गुरुजी ने मेरे को उन्हीं की आवाज में, जैसे उन्हीं के टोन में मेरे को अंकल ने डांट लगाई, आंटी चाय प्रसाद पीना होता है तो जल्दी आया करो। मेरे को बड़ी शर्म आई, मैंने कहा कोई नहीं चलो गुरुजी ओके जैसे आपकी मर्जी। पर फिर भी मैं जैसे इतने में मंत्र जाप शुरू हो गया, हम बैठ गए, जैसे आंखें बंद कर ली हम दोनों ने, और जैसे ही आंखें बंद करी मंत्र जाप शुरू हुआ और एक अंकल ने मेरे शोल्डर पे ऐसे हाथ लगा के बोला आंटी चाय प्रसाद, इमेजिन। और उनकी ट्रे में 2 गिलास जो उन्होंने एक अंकल को दिया एक मेरे को दिया। तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, हालांकि आप मानोगे नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट ये होता था कि जब मंत्र जाप शुरू हो जाए तो 9 चाय प्रसाद कभी नहीं मिलता था। लेकिन उस दिन गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी आपने ब्लेस कर दिया अंकल को, शुक्राना बहुत बहुत थैंक्स किया गुरुजी का। फिर लंगर प्रसाद लिया हमने और हम घर वापस आ गए, गुरुजी से आज्ञा लेके हम वापस आ गए। तो जब घर पहुंचे और जो मेरे को अंकल ने बताया, संगत जी सुन के रोंगटे खड़े हो गए।
अंकल ने बताया कि जब वो गाड़ी से बाहर निकले थे, उतरे थे गाड़ी से लेफ्ट साइड, तो वो गाड़ी एक्चुअली खड़ी थी क्योंकि अंधेरा था, ड्राइवर को भी पता नहीं लगा। एकदम वहां पे इतना बड़े खड्डा था, मतलब एक जैसा ना ट्रेंच, मतलब खुदाई हुई थी वहां पर, और जो वो खाई थी वो कम से कम 8-10 फुट गहरी थी। तो अंकल ने जैसे ही एक कदम बाहर निकल के आगे बढ़ाया और वो उस खाई में गिर गए, और उस खाई में नीचे पूरे वो पत्थर बिछे हुए थे, और वो खुदाई हुई थी, जैसे वो होता है ना कि कुछ सीवेज की लाइनें या कुछ डलनी होती हैं उसके लिए थी, और इतनी गहरी कि मतलब अंकल ने बताया बाद में कि जैसे वो खड़े होकर भी कोशिश कर रहे थे ऊपर हाथ ऐसे हिलाएं या देखें कि कोई दिख जाए और किसी को आवाज लगाएं, पर उनका हाथ भी नहीं पहुंच रहा था ऊपर, एंड नहीं दिखाई दे रहा था उनको, अंधेरा भी था। तो पहले तो अंकल कहते हैं जैसे ही मैं गिरा और मैं पूरा बीच में लेट गया, ऐसे जैसे गिर गए, तो उन्होंने सोचा कि अरे ये तो क्या, अब तो पता नहीं कितनी हड्डियां टूट गई होंगी, कितनी जगह चोट लगेगी, मैं कैसे उठूंगा। और फिर कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि गुरुजी मैं तो आपके पास आ रहा था, ये क्या हो गया। एक्चुअली अंकल को डर था अंदर से, क्योंकि एक बार 2009 में वो एक स्पीड ब्रेकर पे स्लिप कर गए थे और गिर गए थे नीचे, जैसे बैठ गए थे सिर्फ, तो और उनके पेल्विस के 4 फ्रैक्चर हो गए थे। सो ही गॉट सो स्केयर्ड कि अब मैं ऐसी बुरी तरह से गिरा हूं और पत्थरों के ऊपर, तो पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने गुरुजी से ऐसी जैसे इंसान जब ऐसी मुसीबत में होता है तो यही कहा कि गुरुजी ये क्या हो गया। तो और फिर उन्होंने जैसे खड़े होने की कोशिश करी और खड़े हो पाए और हाथ ऊपर करने की कोशिश करी, देखा कोई नहीं जा रहा था, किसी को आवाज लगाए, और मैं तो गाड़ी के अंदर थी, दरवाजे बंद थे और ड्राइवर भी अंदर आके बैठ गया हुआ था, तो शायद आवाज लगाई भी हो उन्होंने तो हमें तो सुनाई नहीं दी। इतने में उन्होंने कहते जैसे ही मैंने, और मैंने जब लेटा हुआ था कहते हैं, मैंने ये सोचा कि हे भगवान क्या ऐसे लेट गया हूं कि जैसे आपने मेरे को आज ग्रेव में लिटा दिया हूं। कहते ऐसे मेरा ध्यान, ऐसे ख्याल आया कि वाकई में जब ग्रेव के अंदर लेटते होंगे या लिटाते होंगे तो ऐसे ही ख्याल आता होगा, शायद ऐसे सोचते होंगे जो बॉडी होती होगी। तो फिर कहते हैं जब गुरुजी को मैंने ऐसे कहा, खड़ा हुआ तो एक हाथ एकदम से इनको दिखाई दिया, एकदम गोरा चिट्टा चमकता हुआ हाथ, और इन्होंने ऊपर देखा तो एक वेरी फेयर टॉल सूटेड बूटेड मैन बॉल्ड वहां खड़े थे, और अपना एक हाथ उन्होंने आगे किया, और संगत जी आप मानोगे नहीं, उन्होंने इंग्लिश में बोला गिव मी योर हैंड, और इन्होंने एक सेकंड देखा और फिर अपना हाथ आगे किया, और ये कहते हैं कि मेरे को जैसे लगा कि मैं जैसे होता है ना एक फेदर की तरह लाइट, और उन्होंने मेरे को एक हाथ, उसी एक हाथ ने मेरे को ऐसे खींच के और बाहर खड़ा कर दिया। मेरे को पता ही नहीं लगा मैं कब बाहर आके खड़ा हो गया, और जैसे बाहर, जैसे गिर के उठता है इंसान और थोड़ा देखता है कि कपड़ों को झाड़ा और ऐसे अपने आप को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करी, और उसके बाद उनके दिल में एकदम ख्याल आया कि आई शुड थैंक हिम जिन्होंने मेरे को बाहर निकाला है, तो देखा तो वहां कोई भी नहीं था। सो संगत जी, उन्होंने थोड़ा गाड़ी के आगे जाकर भी देखा कि शायद कोई आगे चले गए हैं, रोड क्रॉस कर रहे हो, पर कोई नहीं था वहां पर। सो संगत जी वो कौन थे? गुरु जी, हमारे प्यारे गुरु जी, जो कि हमें किसी भी समय किसी भी रूप में दर्शन देते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए साथ हैं। तो ये गुरु जी, और आप देखो, अच्छा इसी कनेक्शन में, सॉरी मैं थोड़ा बीच में भूल गई, जैसे 3 जनवरी का दिन था वो, और उसके पहले कुछ दिनों से अंकल को हिप में बड़ी पेन थी, वो चल नहीं पाते थे जैसे आसानी से, तो वो पेन किलर खा रहे थे या कभी जैसे ऑइंटमेंट लगा लेनी वॉलेनी वगैरह और चल रहे थे। तो 3 जनवरी को भी सुबह जब बच्चों का फोन आया विश करने के लिए डैडी को बर्थडे, तो बेटी जैसे आपको बताया डॉक्टर है, तो उसने
बोला डैडी आज आप जरूर जाएंगे एमआरआई कराने हिप का, डोंट टेक इट सो लाइटली। उन्होंने कहा ठीक है मैं जाऊंगा लेकिन आज नहीं, आज तो मेरा बर्थडे है, मैं बर्थडे वाले दिन हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। उसने कहा ओके ठीक है गो टुमारो। तो ये मतलब जब हम घर से भी जाने लगे थे बड़े मंदिर के लिए शाम को, तो इन्होंने पेन किलर खाई ताकि मैं वहां पर आराम से चल पाऊं, तो पेन किलर खा के घर से निकले थे। तो संजय जी जब वो बाहर आए और फिर घर जाकर जब ये मेरे को बता रहे थे, और हमने वहां ना बड़े मंदिर में रियलाइज किया इन्होंने भी, क्योंकि मेरे को तो मालूम ही नहीं था ये सब कुछ, और घर जाकर इन्होंने देखा, सोचा देखा कि मेरे तो पेन ही नहीं है, तो ही रियलाइज कि मेरी हिप की पेन तो गायब है। और ये भी जब बात कर रहे थे तो कहते हैं अरे मैंने तो अब देखा है कि मेरे तो कोई चोट नहीं है बिल्कुल, ऐसे नुकीले पत्थरों के ऊपर मैं गिरा था कि मेरे को लगा कि कई जगह स्क्रैचेस और बोन्स टूटी होंगी, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, एक स्क्रैच तक नहीं है कहीं पर। तो ये सब किसकी ब्लेसिंग है? गुरुजी खुद आए और उन्होंने हाथ, मैं आपको बताऊं अंकल ना हिंदी में भी कम बात करते थे, इंग्लिश में ज्यादा बात करते थे, घर में भी जैसे उनको आदत थी, जैसे ऑफिस में भाई आदत थी, तो इसलिए मैंने उनको कहा। और अंकल थोड़े हाइजीन का भी बहुत, मतलब किसी के गंदे हाथ हो थोड़े भी या कुछ ऐसे हो तो उनको बड़े हेसिटेंट होते थे किसी से हाथ भी मिलाने में। तो मैंने कहा देखो गुरुजी एकदम वाइट फेयर सूटेड बूटेड आए कि आप हेसिटेट ना करो उनका हाथ पकड़ने में, और उन्होंने अपना हाथ आपको देकर जैसे है ना वो शब्द की कैसे वो वहां पकड़ के बाहर निकालते हैं पार लगाते हैं, तो वही किया उन्होंने। सो शुक्राना गुरुजी। इस तरह से अंकल को भी दो तीन बार तो मैं फिर सुनाऊंगी, काफी टाइम हो गया है। तो अंकल को एक्सटेंशन ऑफ लाइफ भी मिली गुरुजी से, और हम सबको गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। बाकी उतार चढ़ाव ये सब हमारे कर्मों के भोग हैं, वो सब तो हमें भोगने ही हैं, और गुरुजी का नाम लेकर हम भोगते रहेंगे, जब टाइम निकालेंगे तो शायद आसानी से निकल जाता है। तो इसलिए संगत जी हमें हमें बस गुरु जी का शुक्राना करना है हर टाइम, शुक्राना शुक्राना, जो उन्होंने हमें इतना बड़ा इतना अच्छा परिवार दिया है गुरु जी की संगत का, इतना परिवार प्यारा जो कि हर समय एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और शबद कीर्तन, गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी का चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद, ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग है जिसे हमें हमेशा, मतलब उसका कहते हैं ना एक कण भी हमें मिस नहीं करना चाहिए। वहां पर जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो हमें याद है जब देर तक बिठाते थे कई बार दो दो बार लंगर कराते थे, और पता नहीं हम कैसे खा जाते थे पूरा, और मतलब साथ में गुरु जी हाथ से इतना प्रसाद भी बांटते थे वो भी हम खा लेते थे, क्योंकि आज्ञा होती थी कि वही खाना है तो वही खा लेते थे। और उसके बाद रात को कई बार 11-12 बजे गुरुजी हलवा प्रसाद बनवाते थे फिर, और फिर जैसे हम 10-12 संगत हैं तो 2-4 ग्रुप्स में ऐसे बिठा देते थे, 4-4 को, मेरे को याद है क्वार्टर प्लेट वाइट होती थी उसमें हलवा प्रसाद आता था और उसमें 4 चम्मच, तो हम वो भी प्लेट जिसमें हलवा प्रसाद होता था उसको भी शेयर करते थे हम लोग। तो गुरु जी कितनी हैश कराते थे, कितना खिलाते थे गुरु जी, और हम सब खाते थे क्योंकि गुरुजी को ही पता था कि वो सब खिला खिला के उन्होंने हमारे कितने कर्म काटे, हमारी बीमारियां अंदर से दूर करी, क्या क्या नहीं ब्लेसिंग दी हमें, हमें कुछ नहीं हम जानते, और ना उस समय तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। आपको घर में कोई 2 बार खाना खाने को बोले तो कितना मुश्किल होता है देखिए, लेकिन वहां हम 2 बार लंगर प्रसाद भी कर लेते थे। सो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग थी जो हमें नहीं समझ में आई, लेकिन अब समझ में आ रही है, तो गुरु जी से बार बार माफी मांगते हैं कि। और इसका भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊं संगत जी, माफ करना मैं और 5 मिनट, कि गुरु जी की आज्ञा मानने में ही ब्लेसिंग है, हमें हमेशा उनकी आज्ञा माननी चाहिए। तो गुरु जी जब थे तब तो हमें खुद जैसे आज्ञा देते थे, पर हम क्योंकि तब ये नहीं समझ पाए कि हमें परमात्मा से आज्ञा मिल रही है या रब के चरणों में बैठे हैं, तो हमने कई आज्ञा नहीं भी मानी, तो जो मानी उसमें तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, और जो नहीं मानी और कितनी परेशानियां या नुकसान उठाया उसकी वजह से वो हम ही जानते हैं, और उसके लिए माफी मांगते हैं गुरुजी से। मेरे को याद है आई वॉज वर्किंग जैसे, तो 2007 आई थिंक फरवरी मार्च में ही गुरुजी ने मेरे को कहा
कि तू नौकरी छोड़ दे। तो अब तो जैसे हमने कई सत्संग बाद में लाइट ऑफ डिविनिटी में पढ़े या सुने भी संगत जी से कि गुरु जी आज्ञा देते थे तो कई संगत जी जैसे बिजनेस है या नौकरी है एकदम छोड़ देते थे और उसी में उनको कितनी ब्लेसिंग मिलती थी, लेकिन हमें नहीं पता था ये सब। तो मैंने सोचा अब तो बिल्कुल रिटायरमेंट का टाइम पास आ गया है, इतने साल नौकरी करी है तो अब क्यों छोड़ू, और बच्चे भी यहाँ नहीं है, अब तो फ्री हूं मैं बिल्कुल, तो टाइम कैसे पास करूंगी। तो मैंने गुरु जी की बात नहीं मानी। गुरु जी ने शायद दो बार मेरे को बोला कि नौकरी छोड़ दे की लोड़ है, पर मैंने नहीं छोड़ी। उसके बाद तो खैर गुरु जी चले गए। तो लेकिन गुरु जी तो हमारा, हमें तो सिर्फ यही तक दिखता सॉरी गुरु जी, लेकिन गुरु जी तो कितना पूरा हमारा आगे कई जन्मों तक का देख सकते हैं। तो गुरु जी ने जो मेरे को कहा था उसमें भी उनकी जो, वो देख सकते थे कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। तो 2009 में संगत जी, अंकल जैसे मैंने आपको बताया, एक बार मार्च में कहीं जा रहे थे या हम लोग वॉक ना जा रहे थे, तो रास्ते में अकेले थे, चल के जा रहे थे कहीं, तो गाड़ी से निकल के और स्पीड ब्रेकर होगा दिखाई नहीं दिया तो वहां ये स्लिप कर गए और वहीं पर जैसे स्पीड ब्रेकर के ऊपर गिर गए और बैठे रहे थे, मतलब बैठ के गिर गए जैसे। और इतने में ही किसी तरह से घर पहुंचे, लेकिन फिर एक्सरे वगैरह हुआ, पेन हो रहा था, तो पेल्विस के 4 फ्रैक्चर थे और ही वॉज नॉट सपोज टू गेट अप फ्रॉम द बेड फॉर 4 मंथ्स। सब कुछ बेड पर, ही वॉज नॉट इवन अलाउड टू गो टू टॉयलेट। तो चाहे अटेंडेंट वगैरह या जो भी घर में हेल्प जो भी, लेकिन फिर भी मेरे को मतलब उनके पास रहना बहुत जरूरी होता था, लेकिन मैं बिकॉज ऑफ जॉब मैं नहीं, मेरे को इतनी छुट्टी नहीं मिल रही थी, नहीं ले सकती थी, मेरे को जाना भी पड़ता था। तो आई हैड रियल टफ टाइम, आई मीन मैनेजिंग जॉब एज वेल एज इनको देखना, और बच्चे तो यहाँ थे ही नहीं, हम दोनों ही थे। और उसके बाद जुलाई में ये जैसे व्हील चेयर पे बैठना शुरू हो गए, और मतलब इनको थोड़ा घर के अंदर ही व्हील चेयर पे जैसे इधर उधर जाते थे, तो सडनली ही केम टू नो कि इनकी एक आई की आई साइड चली गई। ही गॉट ARMD, आई मीन, और उसका इलाज सिर्फ एम्स में ही था, एंड इट वॉज अ वेरी टफ ट्रीटमेंट, आंख में इंजेक्शन लगवाने होते थे, तो मतलब इट वॉज वेरी टफ। और मेरे को फिर वही कि जॉब है, छुट्टी नहीं मिल रही, टेंशन, सो दैट होल ईयर इट वॉज रियली बैड फॉर मी। सो ये सब देखिए, गुरु जी की बात मानी होती तो ये सब अगर प्रॉब्लम आनी थी, तो इसीलिए गुरु जी तो हमारी परेशानियां दूर करने के लिए बैठे थे, लेकिन हमने ही उनकी बात नहीं मानी और इतना सफर किया मैंने। तो और उसके बाद तो फिर हमें सितंबर में एक्चुअली यूएसए आना था, हमारी बेटी जो है शी वाज बीइंग ब्लेस्ड विद अ डॉटर, तो हम दोनों को यहाँ आना था। तो मतलब दिस लाइक दिस, तो ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि जब भी गुरु जी की आज्ञा हमने नहीं मानी तो उसका बहुत ही परेशानियां उठाई हैं या नुकसान उठाया है, लेकिन गुरु जी फिर भी रक्षा करते आए हैं। और यही प्रार्थना है गुरु जी से कि हमेशा बस हमारे साथ रहना, हमारे अंग संग रहना गुरु जी, और अपनी प्यारी प्यारी संगत को प्लीज हमेशा ब्लेस करते रहिए। और यही आपसे प्रार्थना है, बस आपका नाम ना भूल पाए हम बस, और मांगे नहीं लेकिन ये जरूर मतलब मांगे कि गुरु जी आप हमारे साथ रहना हमेशा, हमारा हाथ आप कभी मत छोड़ना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, और संगत जी और गुरु जी मेरे से ये सब बोलने में या बताने में कुछ भूल चुक हो गई हो तो प्लीज गुरु जी आप माफ करना, प्लीज मेरी त्रुटियों को माफ करना। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी फॉर लिसनिंग, शुक्राना वेरी मच, शुक्राना, जय गुरु जी संगत जी।